जालोर सिलाई थी, सिरोई थी, सब जना आया है और अणों ने मिलवा आया है और ओबरे ए आया है सहयोग, क्षमता, एकता, अखंडता वन वास्ते आया है। तो मोरे सुराना गांव बहुत बहुत आभारी है कि ऐसे समय में, उस समय अगर इस समय हमने एकता नहीं रखी तो इसका समाधान हमको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सभी से कहता हूं कि सत्य के साथ चलो, ये बेईमानी, एक खोटी राजनीति, एक खोटा मुद्दा, आज वो खोटो मुद्दो अपने कतरो भारी पड़ियो है, कतरो भारी पड़ियो है। ओपे सब हंसी खुशी थी, सब एकता, 36 कौन भी एक थी, मने वो नहीं लागतू तू के ये खून है के ये खून है। आज देखो जाति माते लावे उबा राखिया, एक एक री जाति ओपने बतावनी पड़े। आ नौबत क्यों आई, आ नौबत क्यों आई, ओपने काम वालों की कोई गलती नहीं है, जालौर जिला की कोई गलती नहीं है। पारे दी आवे ने ओपन ने भड़काया, ओपे हमारी बातों में आया, जरो ओपरे जातो को तो नुकसान हुआ है। अरे भाइयों, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे देश में कोई ऐसे शूरवीर पैदा हुए हैं जो वहां से आके हमारे साथ खड़े हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ओबरे मार्शा, मेरी बात का कोई बुरा मत मानना, मैं तो मैं राजनीतिक में हूँ ना, मैं कोई चीज के अंदर हूँ, मैं समाज के अंदर हूँ, मेरे गांव का हूँ, छत्तीस कौन का हूँ, मेरी बात का कोई बुरा मत मानना, उसका मीनिंग उल्टा सीधा मत लेना। लेकिन अभी भी जैन समाज सभी जातिवादी से और मेघवाल जातिवादी सबको कहता हूं, अभी भी हम समझ जाए, हम दूसरे की बातों में नहीं आए, अपने घर ही अपना खराब बीज बोले हैं। मेघवाल जो भी है वो हमारे भाई हैं, ठीक है, भगवान ने हमें अलग अलग जन्म दिया है, किसी जाति को किसी में भेजा है, ये तो भगवान ने दिया है, हमने नहीं दिया। मैं महाजन का बेटा हूं, कल मेघवाल के घर भी पैदा हो सकता हूं, ये गारंटी है कि मैं हजारों साल जैन के घर में पैदा होऊंगा। तो क्यों ये लड़ रहे हो, किस बात का है, दायरा तो भगवान ने बनाया है, दायरा को देखो साहब, एसपी साहब, एसपी साहब से कलेक्टर, कलेक्टर से प्रधानमंत्री, क्या हम प्रधानमंत्री के पास जाके बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। कुछ दायरा होता है, हमें उस दायरा का पालन करना जरूरी है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और मैं सरकार के सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी विनती करता हूं, अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से विनती करता हूं कि जो भी है, जो निर्णय है, निष्पक्ष सत्य के साथ लेवे। अगर हमारे भाषा की गलती है तो उनको फांसी पे चढ़वा दो, हमें कोई आफत नहीं है। और गलती नहीं है तो ये राजनीतिक मत खेलो, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का बेटा है, अपना बेटा अगर जेल में होता तो हमें कितना दुख होता। सत्यवादी होने के नाते वो मार्शा 20 साल से हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, मैं कई बार गया हूँ स्कूल के अंदर, लेकिन इतने सीधे इंसान एक झोपड़ी में रहने वाले को एक मटके का खेल बना के उसकी जिंदगी हमने तबाह कर ली। क्या हमने हमारे
इंसान को यह जन्म दिया, इसलिए हमें आज से क्षत्रिय हो कोई भी हो आप समझ लो, किसी के दुख में साथ आओ, किसी की जिंदगी बर्बाद करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। और मैं और विशेष करके पूरे प्रशासन को कहता हूं कि आप सत्य का साथ देना, सत्य का साथ देना, आप कोई भी जाति पे हो, आप कोई भी सीट पे हो, उसका साथ देना। और एक बात बुरा मत लगाना, देखिए पमनी बाई मंगलवा, मैं आज मेरा दुख की बात है, मुझे पमनी बाई मंगलवा एक बच्ची, हम परसों गए थे मिलने के लिए, तो बोली के मैं तो बहुत दुविधा में हूं। क्योंकि आप क्यों दुविधा में हो, हम तो मानते हैं आप हमारी बेटी हो, आपने सत्य बोला है, आपने गलत कुछ नहीं बोला। अगर इनके भाई बंधु जो इनके जाति भाई है, आप उनको कभी गलत मत समझना, वो आपकी बेटी है। उसने एक आदमी को गलत अगर होने से क्या बोला है, हमारी पूरी समाज गलत नहीं है। अब देखो वो मेंगलवा में फुल तो उसके बॉट ले चल रहे हैं, वो इतनी दुविधा में आ गई, उसने सत्य दुविधा किस बात की है, सत्य बोलने की दुविधा है, उसने सत्य बोला इसलिए नौबत आई। और इसलिए बहनों मेघवाला, उनकी बेटी का कोई गलत नहीं है, उनको आप सब मिलकर सपोर्ट दीजिए। और हमें, मुझे इतना मन से हो रहा है, हम 36 कौम एक ही है और एक ही रहेंगे, और इसका सामना भी करना पड़ेगा, उनको भी मनाना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा, हम सब एक है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बस। आप जन साहब की के मतलब पवनी देवी जी जो के दुविधा है वेकन कारण की सच्चाई रे कारण की, क्योंकि अपने उपर सच्चाई रो साफ दी तो बड़ हारू है, तो अब आप तो कोई अटे बालना है ही नहीं, अब आप तो सब जालो न सिरो ही रहे से स्थानीय, और स्थानीय रे तरफ की बहन पवनी देवी ने आश्वस्त करनो चा के 36 कौम अपने हाथे डरवारी जरूरत नहीं, और 36 कौम हमेशा अपने हाथे रहियो, आपको हमें तैयारी करो और मुंह तोड़ जवाब दो, अगर पार्टियों ने चेतावनी है ये तो पवनी बहन ने टिकट दे दो, जिसे है दूसरी जीताड़े में लेना रही हो, क्योंकि बड़ी सच्चाई रो साथ दी गए अटाती एक नमूनो पेश कर लो कि सच्चाई रो अगर साथ दे तो वनो रिजल्ट का आवे, पाए हारू आप 36 कौम कदम ती कदम मनावे, अमन बहन पवनी ने हाथे रहनो है, आप सबने वो हमारो निवेदन है, आना युवा टीम तो बहन पवनी ने आश्वस्त करना चाहे कि आप बिंदास करे बैठा रहो, देखो ये सोशल मीडिया का वीर है, वहां तो मोदी जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि वे सोशल मीडिया का वीर नहीं हो, और यू कदम जरूरत पड़े तो एक खाली फोन पर लगा लो जो थोड़े टेंशन फ्री, आप देख दो कोई भी पैसा बोल तू टेंशन लेवा की कोई जरूरत नहीं, पर सोशल मीडिया का वीर है बड़ा मौके जवाब नहीं दे रहा है, या तो रात रात पाऊ पीएम ही बोलता रही, बड़ा नौपोटी जवाब नहीं दे रहा है, सोशल मीडिया माते मोदी नहीं बोला तू, नहीं करने खिलाफ बोला तू, नहीं करने गलत बोले रहता, क्योंकि मोर तो 36 कौन चाहिए, न आज भाई सिंह अपने 36 कौम गोम भेड़ा बैठा है, न भेड़ा ना करा है, क्योंकि एक आधो गलती करे विजन मूड की कर बतावा कर खिलाफ बोला तो वही लगे कि हमारे खिलाफ आप बोलिया, जो 36 कौम अपने हाथे दे रही है, एक आधो गलत है, ये थोड़े गलत है, एक हमारे अपने अद्भुत समाज में कोई गलत बोले तो आप हाथे नहीं उभारो, और समाज वालों ने विचार करना चाहिए कि गलत आदमी वरना हाथ मत दो, सही आदमी का हाथ दो, जरूरत पड़ी बंदा ने मेघवा समाज हाथ फेस हाथ उबारे कंधो तो कंधो मनावे, हाँ आपने हाथ उबा रही 36 कौम रहा भाई हाथ उबा रही, 36 कौम ने एक रात वाली बात करो, संदेश दो तो 36 कौम एक तरह दो, ये गलत संदेश गलत राज्य की मत करो, जालोर ने बदो मत करो, और जालोर शिवर विरोधी धरती है, अरे बदनाम को करे तो नाची बांसी बने फूटे तो निकली माता की।
नहीं जतरा भी बारे के आइया हो और सब जना थोड़ी प्रसादी अरे करती आइया हो ओपरे सुरणा दियो प्रसादी थोड़ो लेन पधार जो गोमरो कहो है तैयारी गिरी हुई है ना बाबूडा अब आपसी की प्रसादी है और आपसी की प्रसादी है सब लेन जानो है बहुत बहुत बस बढ़िया ओके बस भारत माता की पति राज भगवान की भारत माता की मेरा नाम बच्चू सिंह है पुराना कराने वाला आप आपका मैं पुराना काम की बिल्कुल कह दीजिए वो भी बड़ा सही मैं बड़ा सही मैंने साल बुझा लिया धन सतीश को भी एक साल बुझा लिया धन बेबी एक सतीश को भाग बुझा लिया आभार आज भी एक गेर मिला कोई नारी गेर नहीं मिला एक बात बीजी बात मोरे गांव में मैं जो भी सतीश को मैं मोर परिवार है कन्ने भी हाथ रखू तो मोरा क्या